हाँ दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त डॉक्टर सुमित। मैं हमेशा आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बहुत ही अमेजिंग नॉलेज देता हूँ दोस्तों। आज मैं बताऊँगा आपको बांग्लादेश में केमिकल एक्सपोर्ट कैसे कर सकते हैं। दोस्तों केमिकल की हर जगह डिमांड रहती है दोस्तों। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में डिमांड रहती है, केमिकल इंडस्ट्री में डिमांड रहती है दोस्तों, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में डिमांड रहती है, क्योंकि टेक्सटाइल के मामले में दोस्तों बांग्लादेश सेकेंड नंबर पर है वर्ल्ड में टेक्सटाइल गारमेंट्स बनाने में दोस्तों। तो आज मैं बताऊँगा आपको बांग्लादेश में आप कैसे केमिकल्स एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं दोस्तों। हमारी मेरा नाम डॉक्टर सुमित है। दिल्ली में हमारी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है, रेगुलरली होती है, और अलग अलग सिटीज़ में इंडिया में टाइम टू टाइम होती रहती है दोस्तों। आप उसको अटेंड करिए, बहुत ही अमेजिंग नॉलेज मिलेगी दोस्तों आपको। आज मैं आपको बताऊंगा बांग्लादेश में आप केमिकल कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं दोस्तों। बांग्लादेश की जो कैपिटल है दोस्तों वो है ढाका। बांग्लादेश की जो करेंसी है वो है टका, और बांग्लादेश की जो लैंग्वेज है वो बांग्ला। कॉलिंग कोड है दोस्तों 880, और दोस्तों ढाका का कॉलिंग कोड है दोस्तों 2। और दोस्तों इस तरह से अगर बाय एयर आप केमिकल भेजना चाहते हैं तो उसके लिए उस्मानी इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स है, शाह उस्मानी इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स जो फेमस है उसे भिजवा सकते हैं, या बाय शिप आप भिजवाना चाहें तो दोस्तों बाय शिपमेंट भी आप भिजवा सकते हैं। मोंगला सी पोर्ट्स है दोस्तों, चिटगांव सी पोर्ट्स है, बहुत फेमस सी पोर्ट्स है, बहुत अच्छे प्राइस में आप वहाँ भिजवा सकते हैं दोस्तों। बाय रोड कनेक्टिविटी भी है दोस्तों, हरदासपुर जो है, बीना पोल है दोस्तों, ये मैं आपको बाय रोड जो आपका जो प्लेस है वहाँ से आप बांग्लादेश में बाय रोड भी आप भिजवा सकते हैं दोस्तों। बाय रोड भी काफ़ी एक्सपोर्ट होता है, हरदासपुर, बीना पोल, और दोस्तों पीतर पोल है दोस्तों वहाँ उसके थ्रू भी आप भिजवा सकते हैं। केमिकल कौन कौन से हैं दोस्तों जो बांग्लादेश आप भिजवा सकते हैं दोस्तों? ये केमिकल हैं इनऑर्गेनिक केमिकल है दोस्तों, कई चीज़ में काम आते हैं, गारमेंट्स में भी काम आते हैं, जैसे अमोनिया है, क्रोमियम है, सोडियम है, हाइड्रोक्साइड है दोस्तों, सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है दोस्तों। ऑर्गेनिक जो कंपाउंड है, ऑर्गेनिक केमिकल है दोस्तों, फार्मास्यूटिकल और मेडिसिन में बहुत यूज़ होते हैं। ये है फिनोल है, इथाइलिन ऑक्साइड है दोस्तों, यूरिया है, सिरेमिक प्रोडक्ट हैं दोस्तों, सिरेमिक प्रोडक्ट्स में दोस्तों सिलिका है, ब्रिक और फ्रिट है दोस्तों, टॉयलेट क्लीनर है दोस्तों, ये है फर्टिलाइज़र है दोस्तों, पेट्रोकेमिकल जो पेट्रोलियम डिस्टिलेशन से पेट्रोलियम को जो साफ़ करते हैं तो दोस्तों उसके लास्ट में जो एक्सक्रेटा में भी काफ़ी केमिकल्स निकलते हैं जो काफ़ी इंडस्ट्रीज में यूज़ होते हैं, ये है इथाइलिन और बेंजीन। तो दोस्तों ये आप केमिकल एक्सपोर्ट कर सकते हैं दोस्तों। हमेशा याद रखें, कोई भी बिज़नेस शुरू करने के लिए पैसा कम, प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा। जो मैं आपको दूंगा आपका बिज़नेस ग्रो करेगा। अगर आपके पास पैसा ज़्यादा है, प्रैक्टिकल नॉलेज कम है, आपका लॉस होगा दोस्तों। इसलिए प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लीजिए, 2 दिन की हमारी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लीजिए दोस्तों। दिल्ली में रेगुलरली होती है और देश के अलग अलग सिटीज़ में टाइम टू टाइम होती रहती है दोस्तों। पहले दिन हम इंडिया के रूल रेगुलेशन के बारे में बताते हैं, इंडिया में कैसे लाइसेंस लिए जाते हैं, कैसे अपना सामान भेजा जाता है, कैसे सैंपल भेजा जाता है, कैसे बाय शिप अपना सामान भेजा जाता है, कैसे बाय प्लेन अपना सामान भेजा जाता है, या बाय रोड भी आप अपना सामान भेज सकते हैं। ये सारी चीज हम आपको बताते हैं दोस्तों। कुछ डिप्लोमेटिक तरीके बताते हैं जिससे आप बायर और सेलर ढूंढ सके और ये पता लगा सके ये बायर असली है या जेन्युइन है या डिफॉल्टर है। कुछ दोस्तों हमें कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम देते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही अमेजिंग है दोस्तों। आप उसको अपने लैपटॉप पर इंस्टॉल कीजिए दोस्तों, सारे काम वो करेगा आपके एक्सपोर्ट इंपोर्ट के, सारी डाटा देगा, सारी चीज़ें बताएगा दोस्तों। सेकंड है जो हमारा कॉन्टिनेंटल डे रहता है, जिस देश में आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना चाहते हैं उस देश के क्वालिटी स्टैंडर्ड क्या है, रूल एंड रेगुलेशन क्या है, क्या लॉज आपको फॉलो करने पड़ेंगे, ये सारी चीज़ हमें बताई जाती है दोस्तों, बहुत ज़रूरी है दोस्तों। एक बार एक प्रॉब्लम आ गई कि इंडिया से सामान को हमने सऊदी अरेबिया भेज दिया लेकिन सऊदी अरेबिया में वो सामान रिलीज़ नहीं हुआ, क्योंकि इंडिया से तो आपने सारे लाइसेंस, आपने सारे डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट कर लिए, लेकिन सऊदी अरेबिया का भी लाइसेंस चाहिए होते हैं, उसको कंप्लीट करना जरूरी होता है। तो हम सेकंड डे जो कॉन्टिनेंटल डे रहता है, जिस देश में आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना चाहते हैं, जैसे आप बांग्लादेश में एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना चाहते हैं तो बांग्लादेश के क्वालिटी स्टैंडर्ड क्या है, रूल एंड रेगुलेशन क्या है, ये चीज़ें दोस्तों बताई जाती हैं। कुछ साइंटिफिक तरीके बताए जाते हैं दोस्तों जिससे आपका सामान लंबे समय तक ख़राब ना हो, जैसे केमिकल है तो केमिकल को अच्छी पैकेजिंग के तरीके बताते हैं दोस्तों जिससे आपका सामान लंबे समय तक ख़राब ना हो। दोस्तों हमेशा पैसा कम, प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा, आपका बिजनेस ग्रो करेगा। मैं आपको प्रैक्टिकल नॉलेज दूंगा दोस्तों। पैसा अगर ज़्यादा है, प्रैक्टिकल नॉलेज कम है, आपका लॉस होगा दोस्तों। तो हमेशा पैसा ज़्यादा, प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा, पैसा कम, ग्रो करेगा, मैं आपको दूंगा दोस्तों। ऐसी बहुत ही अमेजिंग नॉलेज के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, व्हाट्सएप के ग्रुप पर थ्रू शेयर कीजिए दोस्तों, अपने फ्रेंड में शेयर कीजिए, एक छोटी सी कंपनी बनाइए अपने फ्रेंड के साथ और एक्सपोर्ट करिए दोस्तों। पुराने वीडियो ज़रूर देखिए दोस्तों, 190 कंट्री के बारे में बहुत ही अमेजिंग नॉलेज दे रखी दोस्तों। दोस्तों अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी दिक्कत हो आपके दिमाग में, कोई भी क्वेश्चन हो, तो स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहा है डायरेक्ट मुझसे कॉल कीजिए, अपनी प्रॉब्लम बताइए दोस्तों, मैं उसका सोल्यूशन बताऊँगा। थैंक यू वेरी मच।